हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक ये होगा भाई, जो हीरो सुपर कप है एंड एएफसी चैंपियंस लीग जो ग्रुप स्टेज का जो क्वालिफायर है उसका टेलीकास्ट कौन हम करने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, जो आईएसएल ट्रांसफर जो भाई दिन भर दिन इंटरेस्टिंग होते जा रहा है भाई, काफी टीम्स लगी पड़ी है भाई अपनी टीम स्ट्रांग करने के लिए। एंड जो तीसरा है भाई, केरला ब्लास्टर्स द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसा रिपोर्ट आ रही है कि भाई आप उसे कि फाइल करने वाले, मतलब अगेंस्ट अपील करने वाले, तो लेट्स सी क्या होता है। तो यस, आज के हम ये तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक के बारे में बात करेंगे भाई, जो कि हीरो सुपर कप और एएफसी चैंपियंस लीग का जो ग्रुप स्टेज है। यस, तो भाई कल ही न्यूज आई है भाई कि सोनी स्पोर्ट्स और फैन कोड ऐप, ये दोनों ऐप या तो बोलते कि ये दोनों चैनल स्ट्रीम करेंगे हमारे दोनों मैचेस। तो हीरो सुपर कप आपको पूरा क्वालिफायर से लेके फाइनल तक, हीरो सुपर कप और जो एएफसी चैंपियंस लीग का जो ग्रुप स्टेज का मैच है बिटवीन मुंबई सिटी एंड जमशेदपुर एफसी, वो आपको मैच दिख जाएगा डायरेक्टली फैन कोड ऐप पे और या सोनी स्पोर्ट्स पे। तो यस गाइस, अभी जो हमारे टेलीकास्ट का जो ये महीने में जो अप्रैल महीने में पूरा ये अब उसे की टूर्नामेंट है, तो इसका टेलीकास्ट का तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम सबको पता भाई सोनी स्पोर्ट्स अगर आपको टीवी पे देखना है तो सोनी स्पोर्ट्स, अगर आपको लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे देखना है तो आप फैन कोड ऐप या तो फैन कोड वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो काफी अच्छा डिसीजन भाई एंड होपफुली ऐसी करते रहे एंड हम लोग होप करेंगे कि जो फैन कोड है एंड सोनी स्पोर्ट्स है सही से टेलीकास्ट कर पाए एंड हम लोग को मजा आ पाए भाई। यस, तो ये तो हो चुका। फिर बात करेंगे दूसरा टॉपिक के बारे में, आईएसएल ट्रांसफर्स भाई। यहाँ पर दो ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे, एक तो हो गया और एक ऑलमोस्ट सही से रूमर आ रहा है। तो यस, पहले जो रूमर वाली बात करते हैं उसके बारे में बात करें भाई, आकाश मिश्रा ऑफ हैदराबाद एफसी। यस गाइस, एक दो दिन से यही रिपोर्ट आ रहा है कि आकाश मिश्रा इज ऑल सेट टू लीव हैदराबाद एफसी टू मेक अ मूव टू आइदर मुंबई सिटी और मोहन बगान। यस गाइस, आप सभी को बता भाई, हैदराबाद के जो कोच है मनोज मार्केस वो निकल चुके हैं एंड धीरे धीरे हमने जो डिस्कस किया था भाई, पर डर लग रहा था भाई कि ये जो टीम है डाउनग्रेड हो जाएगी, पूरे प्लेयर्स निकल जाएंगे, तो ऐसे ही हो रहा है। तो ऑलमोस्ट वन मोर मेंबर, आप बोल सकते कि वन मोर मेंबर आफ्टर रोहित दानू, मनोज मार्केस एंड आकाश मिश्रा अभी जा रहे हैं एंड यहाँ पर मोहन बगान और मुंबई सिटी दोनों काफी, आप बोल सकते कि दोनों काफी इंटरेस्टेड है एंड दोनों को कैसे ना कैसे करके आकाश मिश्रा की डील उनकी तरफ चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कि मुंबई सिटी ले पाती है या फिर मोहन बगान ले पाती है, बिकॉज देखो दोनों के पास टैलेंट है, दोनों के पास पैसा है, तो ये मेरे हिसाब से क्लब पे ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, बिकॉज क्लब तो कितना भी दे देगी पैसा मेरे को लगता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा भाई आकाश मिश्रा का इंटरेस्ट, आकाश मिश्रा को कहां पर खेलना है, या तो मुंबई सिटी खेलना है या तो मोहन बगान खेलना है, या तो वड़ा पाव खाएंगे या तो आप बोलते कि मिस्टी दोई या तो रसगुल्ला खाएंगे, तो देखने लायक रहेगा। बट यार थोड़ा अभी मेरे को डर लग रहा है भाई हैदराबाद के लिए, बिकॉज जितना जल्दी हो सके, ये मैनेजर तो ये हीरो सुपर कप के बाद ही आएगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके भाई हैदराबाद को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऐसी चलता रहा भाई तो ये पूरी टीम है ना डिमोलिश हो जाएगी एंड आपको देखने मिलेगा भाई 3 साल इतना सक्सेसफुल थे उसके बाद से पूरे डाउनग्रेड हो जाएगा। तो होपफुली ऐसा ना हो। एंड दूसरा टॉपिक है भाई, दूसरा आईएसएल ट्रांसफर है इस संदेश जिंगन एंड मैं तो इनको बोलूंगा भाई पार्थिव पटेल ऑफ आईपीएल या तो युवराज सिंह ऑफ आईपीएल, एरन फिंच ऑफ आईपीएल। आप सभी को पता है क्लब्स चेंज, मतलब क्लब्स कितने डिफरेंट क्लब्स के लिए या डिफरेंट टीम्स के लिए खेले हैं ये लोग जो आईपीएल क्रिकेटर्स हैं एंड वही संदेश जिंगन भाई कल रात को 12:30 बजे ऐसी रिपोर्ट आई थी भाई, यस संदेश जिंगन इज ऑल सेट टू लीव बेंगलुरु एफसी एंड हैज ऑलमोस्ट अग्रीड टू जॉइन एफसी गोवा। भाई यहाँ पर एफसी गोवा भाई काफी खेल खेल रही है एंड काफी, मतलब पूरा ट्राई लगा रहे, पूरा जान लगा रहे भाई हमारी टीम कैसे ना कैसे कर पाए, लेकिन यस ऑब्वियसली अगर एफसी गोवा में संदेश जिंगन आएंगे तो अनवर अली, आप सभी को पता है अनवर अली जा रहे हैं एंड अनवर अली का जो डील है 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है विद एटीके मोहन बगान या तो मोहन बगान सुपर जायंट्स, तो उनके साथ है, तो अनवर अली जा रहे इसलिए उनको रिप्लेसमेंट चाहिए था एंड इससे अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता। आप सभी को बता भाई अनवर अली और संदेश जिंगन दे आर द फर्स्ट टीम स्टार्टर्स इंडियन नेशनल टीम के लिए, तो भाई मेरे लिए तो भाई अच्छा, क्योंकि देखो अगर संदेश जिंगन की बात करें तो पहले केरला ब्लास्टर्स में थे, देन उधर से निकल के एटीके मोहन बगान आए, फिर मोहन बगान से इसमें आए, आप बोल सकते कि बेंगलुरु में आए, बेंगलुरु से एफसी गोवा आए, तो देखते और अच्छे अच्छे क्लब्स के लिए खेल पाएंगे, लेकिन यार अच्छा है। और यहाँ पर जो संदेश जिंगन की ये डील है, ये सीजन खत्म होने वाली थी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चली थी, लेकिन वो लोग सही से नेगोशिएट नहीं कर पाए, या तो वो से कि दोनों पार्टीज रेडी नहीं हुई और खुश नहीं हुए एंड दैट्स व्हाई संदेश जिंगन ने ये मूव बनाया है एफसी गोवा के लिए, तो काफी अच्छा भाई। और एफसी गोवा भाई टीम काफी खतरनाक होते जा रही है, तो लेट्स सी नेक्स्ट सीजन वो लोग क्या कुक करते हैं। और जो तीसरा टॉपिक है भाई, तीसरा टॉपिक दैट इज केरला ब्लास्टर्स। आप सभी को बता भाई, एक दो कल ही परसों
कल परसों ही भाई रिपोर्ट आई थी भाई कि AIFF ने चार्ज किया 4 करोड़ का फीस एंड आप बोलते कि इवेंट के ऊपर भी बैन लगाया, फीस लगाया। लेकिन आप सभी को बताओ भाई, KBFC फैंस तो भाई KBFC फैंस ही है, उनका जो मोटिव है, उनका जो स्टैंड है वो KBFC के साथ ही है एंड उन्होंने सपोर्ट, उनका सपोर्ट। और ऐसे रिपोर्ट आ रहे भाई कि जो केरला ब्लास्टर्स है वो अपील करने वाली है। आप सभी को पता है कि यार एक हफ्ते के अंदर केरला ब्लास्टर्स और इवेंट को जवाब देना है AIFF को। तो आप बोल रहे कि ये लोग इन ऑर्डर, मतलब आप बोलते कि दे आर रेडी टू फाइल अ पिटीशन, आप तो बोल सके फाइल अपील करने वाले, तो अपील फाइल करने वाले AIFF के अगेंस्ट। तो लेट्स सी भाई, और ये ड्रामा कंटिन्यू होते जा रहा है और मेरे को लगता है कि ये इतना जल्दी और इतने आसानी से सेटल नहीं होएगा। तो लेट्स सी भाई, बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ ड्रामा होते ही रहता है। और सेम केरला ब्लास्टर्स और ISL के ट्रांसफर्स की अगर बात करें भाई, हर दिन कुछ ना कुछ प्लेयर यहाँ पर जा रहा है, वहां पर जा रहा है, तो देखते हैं भाई। और यस, इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। आपके थॉट्स बताइएगा, आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है भाई, क्या सोनी स्पोर्ट्स एंड फैनकोर्ट सही से स्ट्रीम कर पाएगी, या तो आकाश मिश्रा कौन से क्लब के लिए जाएंगे एंड मतलब जाएंगे समझो, अगर क्या क्या वो छोड़ेंगे क्लब, रूमर्स अगर सही है तो, और कौन से क्लब के लिए जाएंगे, मुंबई सिटी या मोहन बगान एंड FC गोवा क्या कितना अच्छे से कर पाएंगे विद संजय सिंह, प्लीज बताइए। एंड ऑब्वियसली भाई केरला ब्लास्टर्स टॉपिक है। तो यस, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स गो इंडियन फुटबॉल।